हाय एवरीवन, मैं स्वरूप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो हमारा एंट फिलोसॉफी को लेकर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जमाना ना भूलें। कभी गौर किया होगा तो चींटियों की लाइन को आपने देखा होगा, कभी जाते हुए वो एक लाइन में सीधी चलती है। आपने उनको रोकने का प्रयास किया होगा, जैसे हाथ लगा दिया हो तो क्या करती है, वो साइड से निकल जाती है। अगर आपने दूसरा हाथ उसके आगे और लगा दिया फिर भी वो रास्ता देखेगी आगे से पीछे से। अगर उसको रास्ता नहीं मिलता है तो वो ऊपर से चली जाएगी आपके। आप उसको एक ही कंडीशन में रोक सकते हो या चींटी को मार दो आप। तो ये पहली जो एंट फिलोसॉफी की जो थ्योरी है वो ये सिखाती है कि कितनी भी रुकावटें या बाधाएं इंसान के जीवन में आए कभी भी रुकना नहीं है। नेवर गिव अप नहीं करना आपको, कभी भी हार नहीं माननी आपको। समस्या कैसी भी हो आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चींटियों के जो ये विजन है इसका, इसको एंट फिलोसॉफी नाम दिया गया है कि मतलब आपका जो टारगेट है उस पर आपको फोकस करना है, आपको मंजिल की तरफ ध्यान रखना है। रास्ते में जो भी बाधाएं आए उसको आपको पार करते रहना, रुकना नहीं है। आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई फेलियर आ गया है, या फिर आप एक सामान्य जीवन जी रहे हो उसमें भी कोई बाधाएं और कई रुकावटें आती हैं, तो आपको रुकना नहीं है, हमेशा चलते जाना है। कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। या फिर हथौड़ी से किए गए कई वार होते हैं लेकिन लास्ट में जब पत्थर टूटता है इसका मतलब जो पहले के वार है वो खाली नहीं जाते। तो आपका हर एक प्रयास जो आगे वाला रास्ता है उसको सुगम बनाता है। आपको मांझी जैसा बनना है जिसने अकेले पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया, या जादव पयंग जैसा जिसने एक अकेले व्यक्ति ने 1300 के ऊपर अकेले ने जंगल में पेड़ लगा के पूरे उस बंजर भूमि को एक जंगल में तब्दील कर लिया। तो इस तरीके का जज्बा और मादा आपको रखना है और इस तरीके से आपको काम करना है कि कभी भी ऐसा आपको लगे नहीं कि मैं इसको क्विट करूं या फिर इसको मैं रोक दूं। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो ये थी जो चींटियों से हमें पहली चीज सीखने के लिए। दूसरी चीज जो हमें सबसे बड़ी चीज सीखने का मिलती है, अगर आपने देखा होगा एक चींटी कोई चीनी का दाना पड़ा उसको उठाने का प्रयास कर रही है तो बाकी चींटियां भी उस कार्य में लग जाती है या उस प्रयास में लग जाती है। तो इस तरह मनुष्य को ये सीखने की दूसरी चीज है कि कोई भी काम या फिर कभी भी आपके पड़ोसी को, आपके आसपास को, आपके रिश्तेदार को या फिर किसी भी मनुष्य को अगर किसी की भी जरूरत पड़े तो आप उस जरूरत के टाइम उसकी हेल्प करें, मदद करें। ऐसे एक दूसरे की मदद करेंगे तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, आप अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करोगे। और जब आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको जब मदद की आवश्यकता होगी तो वो वाला व्यक्ति भी आगे आएगा। इस तरह ये एंट फिलोसॉफी हमें कुछ बातें सिखाती है जो आपको इस वीडियो में दिखाई गई है। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नए नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।